YouTube फैमिली, तो आज हम आए हुए आर्ट हाउस बाय सेवत किलानी, जो इडन कॉलेज क्लिफ्टन पे है, बिहाइंड ओशन मॉल के। तो हम यहाँ पर आए हुए हैं। ये एक आर्ट हाउस है जहाँ पर 3 to 10 एज के एज ग्रुप के बच्चे अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। तो मैं आपको सब कुछ एक साथ दिखाऊंगी। एक तो ये एरिया और इतना अच्छा कस्टमाइज़ किया हुआ है इन्होंने, कलरफुल सा है, क्यूट ना सा। ये बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, उनके पेरेंट्स आए हुए हैं, जिन बच्चों के जो जो शौक होते हैं। जैसे ये हम जा रहे हैं अब म्यूज़िक रूम में, तो यहाँ म्यूज़िक की एक्टिविटीज़ होती हैं डिफरेंट टाइप्स की। और ये बच्चों के खुद बनाए हुए प्रोजेक्ट्स हैं, उन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आर्ट वर्क किया हुआ है। ये इनके पज़ल्स हैं, जैसे मैं आपको क्लोजअप्स दिखाऊंगी, ये इन बच्चों ने खुद बनाए हैं, खुद क्रिएट किए हैं। और ये पूरी वॉल पेंटिंग, और ये उनका म्यूज़िक रूम है, जिन बच्चों को म्यूज़िक से प्यार है। सरवत आ गई, वो ब्रीफ दे रही हैं क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के लोग विज़िट कर रहे हैं आज, तो वो अपने फ्रेंड्स को बता रही हैं कि उनका इसके पीछे क्या था। तो मैं आपको साथ साथ पूरा दिखाती रहूँगी। बड़ा कलरफुल सा एक एक कॉर्नर आपको बड़ा यूनिक दिखेगा। ये हम उनके प्लेइंग रूम में और रीडिंग रूम में जा रहे हैं आपको लेके। तो ये कस्टमाइजेशन उन्होंने की हुए डोर पे भी, उसके साथ साथ ये रीडिंग रूम है, वहाँ वाइट बोर्ड है, या उनके बच्चों के टॉयज़ हैं और डिफरेंट टूल्स हैं उनके। ये उनकी स्टेशनरी बॉक्स आ गया, ये उनके क्रिएटिविटी का आ गया सामान, उनका आर्टवर्क से रिलेटेड सामान आ गया। तो उनके डिफरेंट गैजेट्स रखे हुए हैं, ये वाइट बोर्ड आ गया, ये हमारा, क्योंकि ये हमारा उनका लर्निंग रूम है, बुक रीडिंग रूम है, तो ये टीचर की प्लेस आ गई। और ये बुक्स आ गई, डिफरेंट टाइप्स की बुक्स आ गई। और वो जो सामने यूनिक सा मुझे ये दिख रहा है, प्यारा सा, ये है मेरा फेवरेट बेकिंग एरिया किड्स का। और ये छोटी छोटी टेयर्स, क्यूट सी टेबल्स, उस पे यूटेंसिल्स, उस पे ये ट्री यूटेंसिल्स रखे हुए हैं, डिफरेंट टाइप के मोटिव्स रखे हुए हैं। ये आप एप्रन्स आ गए, ये किचन है क्योंकि, तो आपको एप्रन पहन के काम करना पड़ेगा। ये वॉश बेसिन, डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर बेकिंग आप बच्चों के हेल्प करते हैं, ओवन है, ये स्टोव है, ये डिफरेंट टाइप्स के कटिंग बोर्ड्स हो गए, बेकिंग इक्विपमेंट सारी आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बेकिंग की बुक्स आ गई, कितनी क्यूट सारी चीज़ें हैं, मतलब क्योंकि एक बेकिंग रूम बच्चों के का है क्योंकि। और ये फ्रिज आ गया, ये छोटी छोटी सी चेयर्स और टेबल्स आ गई ताकि आप यहाँ पर बैठ के काम कर सकें, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा आप इस आर्ट हाउस पर सरवत किलानी को ज़रूर विज़िट करें। यहाँ सरवत अपना ब्रीफ दे रही हैं, तो मैं आपको साथ साथ हर एरिया दिखाऊंगी। ये उनका, ये भी बड़ा कलरफुल सा है, और एंड में उनका रेस्ट रूम है। उसके अलावा हमारे यहाँ डिफरेंट रूम्स हैं, और अब हमने इस वाले रूम को तो हमने कवर कर लिया था। अब हम जा रहे हैं इनके प्लेइंग एरिया में। प्लेइंग एरिया में यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर टॉयज, उनके गैजेट्स रखे हुए हैं। और मैं अपनी फुल लुक भी दिखाऊँ, ये रही मैं, ये मेरी फुल लुक थी, और बच्चे खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और ये अब आ गए हम इनके एक्टिविटी रूम में। यहाँ पर ब्लॉक पेंटिंग्स, पेंटिंग्स, कोलाज वर्क, ये खुद 3 to 10 ईयर्स के बच्चों ने खुद क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ देयर टीचर्स एंड गार्डन्स। सो वो अपनी डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ यहाँ पर करते हैं, उनको उन्होंने डिस्प्ले किया एज एन एग्जीबिशन, जो ये सारे इन बच्चों ने खुद क्रिएट किए। ये आगे हमारे क्लाइमेट चेंज का पीछे, और ये हमारे आगे वेस्टेज मटीरियल जो होता है और क्लाइमेट चेंज जिसकी वजह से हो रहा है, तो उसको उन्होंने पूरा अपना मोटिव बयान किया गया है। तो ये सब एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं, मतलब फुल ऑफ नॉलेज, और आपको इससे नॉलेज भी होती है, आप अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो ये सब बच्चों ने खुद बनाए हैं, पेंटिंग्स हो गई, स्केचिंग्स हो गई, और ये सारे प्रोजेक्ट्स बच्चों ने खुद क्रिएट किए हैं। यहाँ पर मैं आपको बच्चों के कुछ क्रिएटिविटी दिखाती भी चलूँ। ये देखें, जैसे आप नाम लिख रहे हैं आप दिख सकते हैं, ये हानिया याहिया ने बनाया था, ये रेहान आमिर ने बनाया है। इसी तरह जो हर पेंटिंग, हर यूटेंसिल, हर स्केच, हर ब्लॉक पेंटिंग, हर बच्चे ने स्टूडेंट का नाम उस पर लिखा हुआ है, जिससे मैं क्लोजअप दिखा सकूं। ये पिक्चर पेंटिंग्स हो गई, स्केचिंग हो गई, ये क्लाइमेट चेंज का पूरा उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ वेस्टेज, विद द हेल्प ऑफ शॉपर्स, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, किस तरह डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो आप अपने बच्चों को लेके यहाँ पर ज़रूर आएँ, अगर उनको उनमें इंटरेस्ट है तो उनको यहाँ पर आप ज़रूर इस एक्टिविटी में पार्ट लें। और सबसे ज़्यादा तो मैं आपको ये दिखाऊँगी रिसाइकिलिंग वाला, उन्होंने पूरा हाउस बनाया हुआ है रिसाइकिल की चीज़ों से, और मैं आपको उसका पूरा क्लोजअप दिखा रही हूँ। तो बड़ा ही आपको यहाँ पर नॉलेज के साथ साथ आपको, मतलब बच्चों की क्रिएटिविटी, बच्चों के आपको माइंड
सेट का पता चलेगा कि वो क्या क्या सोचते हैं। ये ट्री बनाई हुई है, वो बुक रीडिंग एरिया है, और मैं आपको क्लोजअप भी दिखाती चलूँगी। ये सारी बुक्स हैं बच्चों की, और जिनका जो इंटरेस्ट होता है वो बुक रीडिंग करते हैं। तो हर चीज़ का अपना अपना कहीं ना कहीं ये है, दिस इज़ आर हैप्पी प्लेस, और ये उनकी उर्दू कैलीग्राफी ये बच्चों ने खुद क्रिएट की है। मैं क्लोजअप्स भी दिखाती रहूँ उर्दू हैंड राइटिंग की इंपॉर्टेंस, और ये हमारी ब्लॉक प्रिंटिंग्स आ गई, और रियली आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग है इसमें। मतलब ये आपको नहीं बिल्कुल लगेगा कि ये 3 से 10 साल के बच्चों ने बनाई है। और हेरिटेज आ गई उसमें, मतलब डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पर उनकी पेंटिंग्स की क्रिएटिविटी की एग्जीबिशन थी। तो आप इनके इस आर्ट हाउस को बाय सरवत गिलानी को ज़रूर विजिट करें। मैं आपको क्लोजअप्स भी दिखा रही हूँ, मतलब आपको लगेगा नहीं ये इतने छोटे बच्चों ने क्रिएट किए हैं, विद दी हेल्प ऑफ देयर टीचर्स ऑब्वियसली। और ये भी आप देख सकते हैं वॉल पेंटिंग्स, कलर पेंटिंग्स, ये इन्होंने मोनोग्राफी बनाई हुई है डिफरेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस की। तो ये था आर्ट हाउस बाय सरवत गिलानी, यहाँ पर पेरेंट्स भी आए हैं अपने बच्चों को लेके। तो आज इसका था डे, तो मैंने आपको सर्वे करवाया आर्ट हाउस बाय सरवत गिलानी। तो यहाँ उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगले ब्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।